गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था पेज नंबर, क्या पेज नंबर था, 287 तक। पेज नंबर 287 हाफ पे था। चलो एक काम करते, पहले से पॉइंट्स पढ़ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, चलेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले से पॉइंट्स पढ़ लेते, जस्ट वन आवर गिव यू 100%। समझ आया क्या? बाद में आपको दिखेगा एग्जाम में इसका इम्पैक्ट कि बॉस एक ऑनेस्ट रहने का, ईमानदारी से पढ़ाई करने से कितना पेपर ईजी हो जाते। इट इज़ अप्लीकेबल फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। इट इज डिराइव्ड बाय कार्ल गॉस, देयरफॉर नोन एज गॉसियंस थियरम। इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी। एज पर एजम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लेस देन अरिथमेटिक मीन एंड 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर मोर देन अरिथमेटिक मीन। समझा आपको ये? सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन मीन, म्यू मतलब मीन 50%। What is the probability that an observation is more than arithmetic mean? 50%. Z is a normal curve coefficient. इसका क्या formula होता है? X minus mu upon sigma. There are two parameters of normal distribution. कौन से? Mu and sigma square. Therefore, it's a biparametric distribution. Normal curve is a bell-shaped curve. ये important है. Normal curve is a bell-shaped curve. ऊपर normal curve दिख रहा है आपको? It's a bell-shaped curve. Symmetrical about अरिथमेटिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वो नॉर्मल कर को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करता है। समझा क्या? इसलिए सिमेट्रिकल। ऐसे बचपन में डायग्राम देखा रहेगा आपने, बॉडी सिमेट्री, ऐसे अंदर से एक डॉट 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 लाइन रहता है, दो पार्ट है या नहीं, तो वो सिमेट्रिकल लाइन रहता था ना। तो नॉर्मल वो जो मीन है वो नॉर्मल कर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो नॉर्मल कर इज अ बेल शेप कर, सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन। इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप, probability of बोलो x is less than or equal to 50 is equal to probability that x is less than 50. तो इसमें less than or equal to and less than एक ही लिया जाता है। समझ आया क्या? Then greater than or equal to 85 and greater than 85 का meaning एक ही रहता है, क्योंकि probability that x is exactly equal to 85, समझा ना, का chance क्या रहेगा? Almost zero. It is one out of infinite possibilities. समझो, मैंने आपको बोल दिया कि मेरा एज 41 और 42 के बीच में, समझा क्या? तो मेरा इस एज एग्जैक्टली 41.20 रहेगा, का क्या क्या चांस है? वन पॉसिबिलिटी आउट ऑफ इनफाइनाइट। अरे 41 एंड 42 के बीच में मेरा एज क्या हो सकता है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट ये एक्सप्लेन करते करते मेरा एज इनफाइनाइट टाइम चेंज हुआ, करेक्ट और नॉट? आप लोगों ने कहा चेंज हुआ सर? 10 सेकंड में भी, मिली सेकंड, क्या क्या है, समझ रहा है कि आपको ये? वो तो नंबर तो चेंज हो ही रहा है ना भाई, करेक्ट और नॉट? तो मेरा एज एग्जैक्टली 41.20 है, उसका चांस तो जीरो ही है। तो अब बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 के अंदर प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन 85 आता है, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 85 आता है, एंड एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 85 का प्रोबेबिलिटी एज बड़ा जीरो है। तो है या नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है फिर। इसलिए इसी को थियोरेटिकली क्या बोला है, वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर वेरिएबल विल अज्यूम अ स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब x will be exactly equal to 85 का चांस क्या होता है? जीरो। यस और नो, कुछ जाता है क्या दिमाग में? एंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो याद रखो, मैंने आपको पहले भी एक बार कहीं बोला था, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कॉमा मीडियन कॉमा मोड कोइंसाइड। कहीं बताया था क्या आपको? मीन मीडियन मोड कोइंसाइड होता है। तो ये जो सेंटर वाला लाइन रहता है वही तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर है, वही तुम्हारा पोजीशन वाइज सेंट्रल नंबर है, एट द सेम टाइम वही सबसे ऊंची बिल्डिंग है, दिख रहा है क्या? इसलिए वो मोड भी है, मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन भी है। यस और नो? तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ये जो सेंटर होता है बच्चों, ये सेंटर एक्स इज इक्वल टू, ये जो म्यू मतलब मीन भी यही रहता है, मीडियन भी यही रहता है, मोड भी यही रहता है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा आपको ये? मीन मीडियन मोड। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जो सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अदरवाइज मीडियन का कुछ ऐसा फॉर्मूला मैंने सिखाया था क्या? नहीं। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? तो Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, एंड Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आएगा? मीडियन। एंड हमें ये भी पता है कि मीडियन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मोड, क्योंकि ये तीनों सेम रहता है। मीडियन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मोड। समझा क्या? नेक्स्ट,
क्वार्टाइल डिविएशन का क्या फॉर्मूला है, Q3 - Q1 / 2, Q3 - Q1 / 2, एंड यहां पे सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद कर रखो क्वार्टाइल डिविएशन इज 0.6750 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, याद रहेगा। तो अगर आपको QD दिया और SD पूछा तो याद रखो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। QD दिया SD पूछा, कभी आपने देखा रहेगा ऐसा क्वेश्चन, या SD दिया QD पूछा है, तो दो फॉर्मूले आपको याद रखना ही है, ये दो फॉर्मूले। हाँ बोलो कौन से, QD इज इक्वल टू बोलो 0.6750 इंटू SD, सही है क्या, एंड MD इज इक्वल टू 0.80 इंटू SD। तो देखो बच्चों MD दिया तो SD आ सकता है, SD दिया तो MD आ सकता है। अच्छा MD दिया तो QD फाइंड करने आएगा क्या आपको, आएगा कैसे, MD दिया है तो MD के बेस पे SD लाओ एंड फिर SD के बेसिस पे QD लाओ, समझा आपको ये, मतलब क्या ना इसे इन तीनों में से कोई भी एक भी वैल्यू दिया तो बचे हुए दो आप फाइंड कर सकते हो, ये दो फॉर्मूले याद रखना सफिशियंट है क्या उसके लिए। तो कौन से दो फॉर्मूले बोलो, QD इज इक्वल टू 0.6750 इंटू SD एंड MD इज इक्वल टू 0.80 इंटू SD, इसको बॉक्स करके रखो और यहां पे लिखो मस्ट रिमेंबर फॉर्मूले, कौन से मस्ट रिमेंबर, कौन से दो फॉर्मूले मस्ट रिमेंबर है, एक बार वापस पढ़ो, QD इज इक्वल टू 0.6750 इंटू SD एंड MD इज इक्वल टू 0.80 इंटू SD, याद रहेगा क्या। नेक्स्ट Q3 14 पॉइंट पढ़ो, Q3 का क्या फॉर्मूला है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या स्टैंडर्ड डिविएशन एंड म्यू मतलब क्या अरिथमेटिक मीन, एंड Q1 का क्या फॉर्मूला है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, नहीं समझा आपको ये, एंड मीडियन का क्या फॉर्मूला है, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, याद रहेगा। ओके नेक्स्ट फाई ऑफ ए, सिर्फ याद करो डायरेक्टली, अभी रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू ए, रिप्रेजेंट्स एरिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू ए। नेक्स्ट टोटल एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल कर्व इज 1.00, दैट इज 100%, पूरा सब मिलकर 100% है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू प्रोबेबिलिटी, टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू प्रोबेबिलिटी, सेम लाइक जो बायनोमियल में था। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो SD इज ऑलवेज ग्रेटर देन MD इज ऑलवेज ग्रेटर देन QD, क्योंकि SD का 80% MD रहता है एंड SD का 67.50% QD रहता है, तो सबसे छोटा QD रहेगा, उसके बाद MD, उसके बाद SD, SD इज ऑलवेज ग्रेटर देन MD इज ऑलवेज ग्रेटर देन QD। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MD एंड SD, बता पाओगे क्या, चलो एक मिनट ध्यान दो, MD इज इक्वल टू क्या था बताओ, 0.80 इंटू SD, सही है। रिलेशनशिप बिटवीन QD एंड SD बोलो, QD इज इक्वल टू 0.6750 इंटू SD, सही है। एक काम करो, MD इज इक्वल टू क्या था बताओ, 0.80 इंटू SD एंड SD की जगह पे मैं लिखता हूं QD डिवाइडेड बाय 0.6750, चलेगा क्या, तो 0.80 डिवाइडेड बाय 0.6750 का क्या आंसर है, 1.1852 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1.1852 इंटू QD इज इक्वल टू MD, समझा क्या आपको ये, नहीं समझा ना लेको, एक फॉर्मूला में दूसरा सब्स्टिट्यूट किया, समझा आपको ये, या तो अगर उल्टा लाना है तो QD इज इक्वल टू, चलो बोलो QD इज इक्वल टू क्या था जल्दी बताओ, 0.6750 इंटू क्या था SD एंड SD की जगह पे मैं लिखता हूँ MD डिवाइडेड बाय 0.80, चलता है क्या, तो 0.6750 डिवाइडेड बाय 0.80 कितना आता है, 0.84375 इंटू MD कर लिया तो मिल जाएगा QD। क्या ना इसे ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाला फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला याद रहेगा तो थर्ड ऑटोमेटिक आएगा, वैसे भी मैंने थर्ड जो लाया वो फर्स्ट एंड सेकंड से ही लाया अभी भी, समझा आपको ये, तो ये पॉइंट्स याद रहेंगे क्या पक्का। चलो अब ये टेबल कंप्लीट करना है आपको, मैंने Q3 एंड Q1 दिया है तो QD कैसे आएगा बताओ, चलो पहले मुझे कंप्लीट करने दो बाद में लिखो, QD कैसे आएगा बताओ, QD कैसे आएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, सही है बच्चों, सही है क्या, एंड चलो बोलो MD इज इक्वल टू क्या रहता है, 0.80 इंटू SD एंड SD इज इक्वल टू क्या रहता है, हाँ बोलो QD से लाना है समझो, तो यहां पे मुझे लाना ही है तो कैसे लाओगे बोलो, QD डिवाइडेड बाय 0.6750, नहीं समझा आपको ये, QD डिवाइडेड बाय 0.67
5-0 चलता है क्या? तो पहले क्यूडी लाएंगे, क्यूडी के बेस पे एसडी लाएंगे एंड फिर एसडी के बेसिस पे एमडी लाएंगे। चलो बोलो पहला क्वेश्चन क्या था। 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 आंसर इज कितना? 15 है करो, 15 डिवाइड बाई 0.6750 22.22222 ये एसडी है क्या? इंटू 0.80 17.7777। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? एसडी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? एसडी। उससे छोटा कौन सा है? एमडी। उससे भी छोटा क्यूडी। तो ये मैंने 30th पॉइंट लिखा है वो सही है क्या? दैट इज इसको उल्टा पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था बोलो? एसडी इज ग्रेटर देन एमडी इज ग्रेटर देन क्यूडी। ये दोनों एक ही है क्या? यस और नो? चलो विल यू कंप्लीट दिस टेबल नाउ, विल यू कंप्लीट? 69.60 माइनस 29.40 डिवाइड बाई 2 टेल मी इज इट 20.10 डिवाइड बाई 0.675 आंसर इज 29.77777 है क्या? इंटू 0.80 आंसर इज 23.82222 सही है। चलो करो बचाओ पार्ट। देखो बच्चों ये मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, जितना मैं लिख के दे रहा हूँ उतना से भी इज्जत से करो पूरा मार्क्स आ जाएगा, समझ रहा है? यस कर रहे हो क्या? 86 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 ये 23 आ रहा है क्या? डिवाइड बाई 0.675 ये 34.074074 ऐसा कुछ है क्या? एंड एम डी कितना रहा है? 27.259259 ऐसा कुछ है क्या? देन 91.80 माइनस 40.63 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 25.585 है क्या? डिवाइड बाई 0.6750 वेदर दिस इज 37.903707 ऐसा कुछ है क्या? टेल मी वेदर दिस इज 30.322 9629। नेक्स्ट 81.88 माइनस 43.63 डिवाइड बाई 2 वेदर आंसर इज 19.125 है क्या? 19.125 है क्या? डिवाइडेड बाई 0.675 आंसर इज 28.3333 एंड 28.333 इंटू 0.80 आंसर इज 22.6666 सही है भाई। देन 28.93 माइनस 12.13 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 8.40 डिवाइड बाई 0.675 आंसर इज 12.444444 इंटू 0.80 आंसर इज 9.95555 सही है। देन 60.86 माइनस 12.98 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 23.94 डिवाइड बाई 0.675 आंसर इज 35.466666 इंटू 0.80 आंसर इज 28.373333। टफ था ये? तो बताओ बच्चों इसमें से कोई भी एम क्यू डी एम डी एस डी में से एक भी वैल्यू आया तो बचे हुए वैल्यू आ सकते हैं, यस और नो? एक भी वैल्यू आया तो बचे हुए दो वैल्यू फाइंड कर सकते कि नहीं? ओके ये जो पॉइंट नंबर 30 है ये सही है क्या बताओ? सही है क्या? बट ये जो भी लिखा है दिस इज ओनली फॉर ऑब्वियसली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो क्यू डी इज ऑलवेज लेस देन एम डी इज लेस देन एस डी, दैट इज एस डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम डी इज ग्रेटर देन क्यू डी। सही है बच्चों? सही है क्या? चलो क्या क्वेश्चन है बताओ मुझे, अभी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का है वो भी तुम ही डिसाइड करो। वी हैव थ्रोन 6 बॉम्ब्स एट अ बिल्डिंग, 2 बॉम्ब्स आर सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग, मतलब दो भी बॉम्ब अगर बिल्डिंग पे गिर गए तो बस है। देन
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगा उसका चांस, इफ चांस ऑफ बॉम्ब हिटिंग द टारगेट इज 0.20, तो बता कितने बॉम्ब्स डाले, 6, तो एनी 6, सिंगल बॉम्ब बिल्डिंग पे जाके गिर जाएगा क्या चांस है 0.20, एंड क्यू क्या होगा फिर 0.80, आपको कितने बॉम्ब बिल्डिंग पे गिराना है, दो नहीं, दो तीन चार पांच या 6, दो सफिशियंट है, तो दो या दो से ज्यादा करेक्ट है, तीन से भी बिल्डिंग गिरी जाएगी ना, फिर दो से गिर जाएगा बोल रहा है, मतलब एटलीस्ट टू उसका इंटरप्रिटेशन है ना, यस और नो, तो बोलो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पूछा है, रिवर्स में सॉल्व करेंगे, 1 माइनस क्या क्या नहीं चाहिए, एक्स 0 नहीं चाहिए, एक्स 1 नहीं चाहिए, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 सॉल्व करने को थोड़ा टाइम लगेगा ना, उल्टा सॉल्व करना आसान है, तो बोलो 1 माइनस, बोलो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, बोलो 6C0 0.20 का पावर 0, 0.80 का पावर 6, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, बाइनोमियल्स प्लस बोलो 6C1 0.20 का पावर 1 इंटू 0.80 का पावर 5, सही है क्या भाई, तो चलो बोलो इधर 1 माइनस क्या आएगा ब्रैकेट में बताओ, 0.80 का पावर 6 है ना, तो ये कुछ आंसर है ब्रैकेट में पहला 0.262144 प्लस 0.80 का पावर 5 पहले कर लो इंटू 0.20 इंटू 6, तो इसका आंसर कुछ है 0.393216 प्लस 0.262144, ये जो भी आया 1 से डिडक्ट करो, तो आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए 0.34464, तो 34.464%, क्या चांस है 34.464% बोलो 464% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट हो जाएगा इसका चांस इज 30 बोलो 4, मतलब करीबन 65% अभी भी चांस है कि वो बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, नहीं समझा आपको, वो बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, 6 बॉम्ब गिरा है तो भी सबसे पहले तो वो बॉम्ब बराबर बिल्डिंग पे गिरने का चांस ही कितना है 20% है, समझता है क्या आपको, ये कुछ गया दिमाग में, नेक्स्ट, एंड ओवरऑल 70% स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन, मतलब बताओ रैंडमली कोई भी मैंने बच्चा उठाया तो उसमें पास में से जाएगा क्या चांस है 0.70, अरे रैंडमली कोई भी बच्चा सेलेक्ट कर लिया तो वो पास कैटेगरी का रहने का क्या चांस है 70%, क्योंकि 70% बच्चे पास है तो कितने फेल्ड है 30%, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ बोलो 10 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एट रैंडम 8 हैज पास, तो बोलो एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना ये एक ट्रायल है, तो कितने ट्रायल्स लिए 10, आपको कौन चाहिए बोलो पास, एक सिंगल ट्रायल में पास होने वाला बच्चा सेलेक्ट होने का क्या चांस है 0.70, तो क्यू कितना होगा, एंड 10 में से आपको कितने सक्सेस चाहिए 8, अगर एटलीस्ट 8 बोला, सॉरी एटलीस्ट 8 ही बोला है तो 8, 9 और 10, अगर 10 में से 8 बोला होता तो सिर्फ 8 ही ले लेता मैं, बट एटलीस्ट 8 बोला है तो 8, 9 और 10, समझा क्या, इन शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 10, बोलो क्या आंसर रहेगा 10C8 0.70 का पावर 8 0.30 का पावर 2 प्लस 10C9 0.70 का पावर 9 0.10 का सॉरी 0.30 का पावर 1, सही है क्या, प्लस बोलो 10C10 0.70 का पावर 10 0.30 का पावर 0, अब इसका आंसर बता सकते हो आप, चलो एक काम करो पहले तो 0.70 का पावर 8 बताओ, 0.70 इंटू स्टेप काउंट 9 तक लाना पड़ेगा इंटू 0.30 इंटू 0.30 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, मेरे ख्याल से फर्स्ट का जो आंसर है वो है 0.23347447444005 प्लस चलो 0.70 का पावर 9 ले लो पहले 0.70 इंटू स्टेप काउंट 10 तक लाए ओके उसके बाद इंटू 0.30 इंटू 10C9 का आंसर 10 है तो इसका आंसर है 0.121060821 एंड 10C10 तो 1 है
पॉइंट सेवन जीरो का पावर टेन बताओ कितना है, 0.02824752 49 करेक्ट है, प्लस 0.12106 0.821 प्लस 0.2334744 05 ये सबका टोटल करके इनटू 100 करो तो मेरे ख्याल से आंसर इज 38.2782 7864%। ये फाइनल आंसर है, 32.78% इतना लिखा तो भी बस है, 38.78% 38.28% 38.28%। बहुत टफ था क्या कैलकुलेशन है? अभी कैलकुलेशन करना ही पड़ता है यार मैनेज, अभी मैं इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि मैंने कैलकुलेशन एक्सप्लेन करना चाहिए अभी। इनफैक्ट ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच में मैंने कैलकुलेटर शॉर्टकट स्पेसिफिकली लिख के दिया एक जगह पे सब है। नेक्स्ट, 8 कॉइंस आर टॉस्ड 409600 टाइम्स, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट 6 टेल्स। सब लोग अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, बोलो ये स्मॉल एन कितना होगा? 8, एक कॉइन थ्रो करना एक ट्रायल है, अब मेरे ख्याल से आना चाहिए भाई। बोलो पी, पी कितना होगा? 1/2। क्यू कितना होगा? 1/2। आपको 8 में से कितने सक्सेस चाहिए? एटलीस्ट 6, मतलब 6, 7 और 8। एंड कैपिटल एन कितना है? 409600। तो एक काम करो, पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तुम। तो बोलो क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी दैट क्या पूछा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 8। सही है क्या भाई? तो बोलो इज इक्वल टू क्या रहेगा, 8c6। एक काम करो, 1/2 का पावर 8 कॉमन लू क्या हर जगह से? नहीं समझा आपको, 1/2 का पावर 8 तो हर जगह आएगा, क्या रहेगा ब्रैकेट में? फिर बोलो 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8। अच्छा वैसे क्या आंसर था वो, 8c6 1/2 का पावर 6 1/2 का पावर 2, 8c7 1/2 का पावर 7 1/2 का पावर 1, 8c8 1/2 का पावर 8 1/2 का पावर 0। तो 1/2 का पावर 8 तो हर जगह था ना यार। चलो बोलो 8c6 का क्या आंसर है? 28 है शायद, बराबर है ना? प्लस 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का पावर 8 इज 256। तो टेल मी वेदर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37/256। ये प्रोबेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है? प्रोबेबिलिटी है। आपको पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आंसर इज कैपिटल एन इनटू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो टेल मी आंसर इज कैपिटल एन कितना था, 409600 इनटू 36/256। तो 409600 बराबर है ना इनटू 37/256, आंसर इज 59200 इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 टेल्स। गेटिंग एटलीस्ट 6 टेल्स, एटलीस्ट 6 टेल मतलब आइदर 6 टेल और 7 टेल और 8 टेल। इज दैट क्लियर? है क्या कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जरा आराम से पढ़ो। देयर आर, पढ़ो मेरे भाई, 12,800 फैमिलीज विथ 5 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 4 बॉयज। ध्यान दे रहे हो? एक मिनट सुनो बच्चों, मैं इसी का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कॉइन के लैंग्वेज में बताओ क्या? सुन रहे हो क्या? ये क्वेश्चन एक बार तुम पहले पढ़ो, देर आर 12,800 फैमिलीज विथ 5 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 4 बॉयज। तो समझो बॉय मतलब हेड, गर्ल मतलब टेल, ऐसे समझो दो मिनट के लिए। ध्यान दे रहे हो? 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 12,800 टाइम्स, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हेड्स, एटलीस्ट 4 हेड्स। समझा क्या? क्या मैंने बोला वापस बताओ, क्वेश्चन क्या था? बोलो 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 12,800 टाइम्स, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट 4 हेड्स। ये क्वेश्चन है, समझा क्या? सिर्फ आप थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया, मतलब एक जैसे एक कॉइन थ्रो किया तो एक बर्थ है, एक बर्थ में बॉय का चांस 1/2 है, गर्ल का चांस 1/2 है। आपको 5 में से कितने बॉयज चाहिए? कम से कम 4। एंड ऐसा कितने फैमिलीज है? 12,800। हर फैमिली में जिसमें 5-5 बच्चे है, मतलब 5 ट्रायल्स, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसे 12,800 एक्सपेरिमेंट्स है। समझा क्या? तो क्या ना इसे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हम क्या फाइंड करेंगे? बोलो पहले प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो एन कितना है? बोलो 4। पी कितना है? 1/2, सॉरी n 5 है, बराबर है ना?
फाइव, पी कितना है वन बाय टू, क्यू कितना है वन बाय टू, चलो बोलो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो बोलो क्या आएगा ये फाइव सी फोर वन बाय टू का पावर फोर वन बाय टू का पावर वन प्लस फाइव सी फाइव वन बाय टू का पावर फाइव वन बाय टू का पावर जीरो, बोलो फाइव सी फोर का क्या आंसर है फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी टू प्लस वन बाय थर्टी टू, टोटल में आंसर है सिक्स बाय थर्टी टू, सिक्स बाय थर्टी टू प्रोबेबिलिटी है या फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी आपको पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर विच इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, कैपिटल एन कितना है बोलो कैपिटल एन कितना है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड, तो ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू सिक्स बाय थर्टी टू, ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू सिक्स बाय थर्टी टू आंसर इज कितना है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू सिक्स बाय थर्टी टू आंसर इज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड, तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेक्टेड टू हैव एट लीस्ट फोर बॉयज, टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव एट लीस्ट फोर बॉयज, ये आंसर है आपको। ये क्वेश्चन का क्वाइन के साथ लिंक लग गया क्या, क्वाइन के साथ लिंक लग गया क्या मेरे भाई, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक लग गया क्या। नेक्स्ट, 5% ऑफ बोलो टोटल बल्ब्स आर नोन टू बी, टोटल बल्ब के 5% इफेक्टिव रहते हैं, 6 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तो बोलो एन कितना रहेगा 6, व्हाट इज पॉइंट ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव बल्ब, हो गया टाइम हो गया क्या, नहीं ना, एन कितना है 6, एन 6 है तो एक रैंडमली सिलेक्टेड बल्ब डिफेक्टिव होने का क्या चांस है 0.05, डिफेक्टिव नहीं होने का क्या चांस है 0.95, जो क्वेश्चन में पूछा है वो होना इज अ सक्सेस, मतलब क्वेश्चन में किसी के मरने का प्रायोरिटी पूछा तो किसी का मरना इज अ सक्सेस, तुम सक्सेस के लिंक मतलब सक्सेस और किसी का मरना कैसे सक्सेस होता है, जो पूछा है वो होना इज अ सक्सेस, समझा कि नहीं। अब किसी को लगता होगा सर डिफेक्टिव हो मतलब सक्सेस कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव भी पूछा है ना, तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो होना इज अ सक्सेस, समझा क्या। हाँ चलो बोलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव बल्ब हो रहा है मतलब एक्स कितना होना चाहिए बोलो 3, करेक्ट है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, आंसर दो 6C3 0.05 का पावर 3 0.95 का पावर 3, 6C3 का क्या आंसर है 20 है क्या, 20 सही है, तो पहले तो 0.95 का पावर 3 करते हैं, 0.95 का पावर 3 मतलब स्टेप काउंट 4 तक इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 20 था क्या ये, इंटू 100 करके फाइनल आंसर बताओ 0.2143 करने के बाद इतना है, समझा क्या। देखो यार 100 में से 5 डिफेक्टिव है, तो आपने जो 5 सेलेक्ट किए उसमें से 3 डिफेक्टिव होने का चांस तो बहुत कम ही रहेगा ना, नहीं समझा आपको, 100 में से 5 डिफेक्टिव है भाई, तो आपने जो रैंडमली 5 सेलेक्ट किए उसमें वो 3 आने वाले क्या, बहुत कम चांस है, सही है। नेक्स्ट, 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जाम, 60% ऑफ बोलो टोटल स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम, ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ कितना बोलो 7 स्टूडेंट्स एट लीस्ट 5 हैव पास द एग्जाम, तो बोलो एन कितना है 7, पी कितना है 0.60, क्यू कितना है एंड एक्स कितने पास चाहिए आपको 5 और 6 और 7, कुछ दम है। देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो हर पॉसिबल क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, ध्यान है सबका, तो बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 7, बोलो आंसर 7C5 0.60 का पावर 5 इंटू 0.40 का पावर 2 प्लस 7C6 0.60 का पावर 6 0.40 का पावर 1 प्लस 7C7 0.60 का पावर 7 0.40 का पावर 0, सही है।
चलो 0.60 का पावर 5 पहले कर लेते हैं, ओके, इंटू 0.40 इंटू 0.40 इंटू 7C5 का आंसर बताओ कितना है, 21। तो ये जो पहला है इसका आंसर है 0.2612736 प्लस 0.60 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 7 तक करो, किया क्या आपने, इंटू 0.40 इंटू 7, मेरे ख्याल से इसका आंसर है 0.1306368 प्लस 0.60 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 8 आने तक, इसका आंसर है 0.0279936, सही है क्या, प्लस 0.1306368 प्लस 0.2612736, ये जो भी आया इंटू 100 करो, परसेंटेज में आ जाएगा, बोलो क्या आंसर है, 41.9904%, 41.9904% इज द आंसर, ऑप्शन में 42% रहा तो भी चल सकता है, इट्स वेरी क्लोज टू 42%, टफ था बच्चों ये, समझा है क्या, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखो ये मैंने बाइनोमियल का और बेसिक में लेके जाऊंगा आपको, अभी ध्यान दोगे यहां पे पूरा, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड आउट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 हेड्स, ऑल्सो फाइंड मीन एस डी एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो, ओके, कितने कॉइन थ्रो किए, 5, 5 कॉइन्स थ्रो किए, कितने हेड्स आ सकते हैं, कितने हेड्स आ सकते हैं, 5 में से बोलो, 0 हेड्स आ सकते हैं, 1 हेड आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 हेड्स आ सकते हैं, 4 हेड्स आ सकते हैं, 5 हेड्स आ सकते हैं, ये नंबर ऑफ हेड्स है, मतलब ये x का वैल्यू है, ध्यान दे रहे हो क्या, एंड अभी हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, क्या फाइंड करेंगे, x के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करेंगे क्या हम लोग, x के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करेंगे क्या, एंड अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ x कैसे लाएंगे बोलो, 5 कॉइंस आर टॉस 512 टाइम्स है ना, तो 512 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या मिल जाएगा आपको, इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ x मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ x मिल जाएगा, डू यू एग्री, तो अब बोलो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहां तक समझा आपको, चलो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बताओ क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ, 5C0, 1/2 का पावर 0 इंटू 1/2 का पावर 5, डू यू एग्री, आंसर इज 1/32, नहीं समझा आपको, नेक्स्ट व्हाट इज पॉइंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, बोलो मेरे भाई बोलो, 5C1 इंटू 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 4, आंसर इज 5/32, डू यू एग्री, नेक्स्ट जल्दी बताओ, 5C2 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 3, विद आंसर इज 10/32, नेक्स्ट 5C3 1/2 का पावर 3 इंटू 1/2 का पावर 2, आंसर इज 10/32, सही है, नेक्स्ट फोर्थ बोलो, 5C4 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 1, आंसर इज 5/32, हियर 5C5 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर 0, आंसर इज 1/32, तो अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का टोटल 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का टोटल 32/32 आएगा, विच इज इक्वल टू 1, नहीं समझा आपको ये, पक्का, अब बताओ बच्चों ये आई प्रोबेबिलिटी, अब मैं फ्रीक्वेंसी बता सकता हूं क्या, करो 512 इंटू 1/32 कितना है, तो यहां पे जस्ट एक बार लिखता हूं 512 इंटू 1/32 कितना, ये 16, सही है क्या, देन 512 इंटू 5/32 80, 512 इंटू 10/32 160, 512 इंटू 10/32 160, 512 इंटू 5/32 80, 512 इंटू 1/32 16, एंड ऑब्वियसली इसका टोटल 512 आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 512 रहेगा ही ना, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा एक बार वापस पढ़ते, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 512, फाइंड आउट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 हेड्स, ये सॉल्व हुआ क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी मिल गया क्या अपने को, ओके सब लोग अच्छे से ध्यान दो प्लीज, यहां तक समझाए सबको, मुझे बताओ x के क्या वैल्यूज है, जल्दी बताओ x के वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, चलो फ्रीक्वेंसी बताओ, जल्दी बताओ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 16,
एटी, वन सिक्सटी, वन सिक्सटी, एटी, सिक्सटीन, ये एक्स आ गया, एफ आ गया। अब ये चैप्टर भूल जाओ एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जाओ, मेजर्स ऑफ, हाँ चलो मुझे अरिथमेटिक मीन लाना है, वेरियंस लाना है, स्टैंडर्ड डिविएशन लाना है, भूल जाओ ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अपना वो पहला वाला चैप्टर याद करो अभी, कौन सा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हाँ चलो बोलो, एफ एक्स का समेशन चाहिए होगा मुझे मीन के लिए, फिर एक्स स्क्वेयर के वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वेयर के जीरो, वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, एंड फिर ना बच्चों मुझे एफ इंटू एक्स स्क्वेयर का भी समेशन चाहिए रहेगा स्टैंडर्ड डिविएशन लाने के लिए, याद है क्या आपको? चलो मुझे एफ एक्स का समेशन बताओ, सबसे पहले तो बताओ समेशन ऑफ एफ कितना है, 512, सही है। चलो समेशन ऑफ एफ एक्स बताओ, 1280, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर भी बताओ, करो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर, एफ इंटू एक्स स्क्वेयर का समेशन, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर कितना, एफ इंटू एक्स स्क्वेयर, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ मैं कर लेता हूं, 3840, पक्का क्या है, गलती नहीं चाहिए मुझे, 3840 है क्या? मैं बोला था कि ये चैप्टर भूल जाओ, अपन अपना पहला चैप्टर से याद कर लेते हैं। चलो बोलो मीन का क्या फॉर्मूला था, बोलो मीन का, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना था, 1280 डिवाइडेड बाय 512, तो 1280 डिवाइड बाय 512 कितना है, 2.50, समझा क्या भाई, ये मीन आया क्या? चलो वेरियंस का फॉर्मूला बताओ, वेरियंस समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, तो बोलो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर कितना आया था, 3840 डिवाइड बाय कैपिटल एन कितना था, 512 माइनस एक्स बार 2.50 का स्क्वेयर, करो कैलसी पे, 3840 डिवाइड बाय 512 मेमोरी प्लस 2.50 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल, इज इट 1.25, तो स्टैंडर्ड 1.25 क्या है, वेरियंस है या स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरियंस है, येस और नो? एंड चलो स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट, हाँ बोलो, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर वो फॉर्मूला आएगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, तो क्या आएगा, अंडर रूट 1.25, अंडर रूट 1.25 आंसर क्या आता है, 1.118033988 ऐसा है क्या? अच्छा बताओ बच्चों ये सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई कि नहीं, मीन लाने के लिए इतना तो कैलकुलेशन करना पड़ा ना यार भाई। अब देखो बायनॉमियल ने बोला है भाई इतना रामायण मत करो, मैं आपको डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला देता हूँ, समझा क्या? और उसने बोला मीन इज एन पी, क्या होता है मीन, तो एन कितना था इस क्वेश्चन में, 5, पी कितना था, 1/2, तो देखो 2.50 आंसर, समझा क्या? फिर बायनॉमियल ने ये भी बोला भाई वेरियंस बहुत मेहनत मत कर, मैं तुझे डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ, एन पी क्यू, तो एन कितना था, 5, पी कितना था, 1/2, क्यू कितना था, 1/2, देखो 1.25 आंसर टैली हो गया, समझा क्या? एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट एन पी क्यू, ये तो बहुत क्लियर है, दैट इज अंडर रूट 1.25 है या नहीं, विच इज इक्वल टू 1.118033988। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा क्या, अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बताया एंड थ्योरेटिकल, तो इससे समझ रहा है क्या ये मीन एन पी, ऐसे मेरे मन से नहीं आया फॉर्मूला, ये डिराइव हुआ हुआ फॉर्मूला है, कैसे डिराइव हुआ समझता है क्या, ऐसे मूड था एम एन पी लिख दे, ऐसा नहीं है ना, वेरियंस एन पी क्यू क्यू आया, समझा क्या? एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट एन पी क्यू, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, समझा क्या आपको ये, इससे आपको अब बताओ अगर कि कोई डिराइव करके फॉर्मूले ला रहा है ना बच्चों, तो उसका भूलने का चांस कम हो जाता है, जो डायरेक्ट रट्टा मारता है ना वो भूलने का चांस होता है। तो मीन क्या है बताओ, एन पी, वेरियंस क्या है, एन पी क्यू, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट एन पी क्यू, गए कुछ लोग आउट हो गए है ना, तो भाई सुबह 7 बजे से समस्या है क्या, कभी ऐसा तुम कभी ऐसे दिन भर पढ़ते नहीं बैठे क्या, कभी ऐसा हुआ है क्या कि दिन भर, अभी देखो एक्चुअली एक दिन तुम पूरा सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक पढ़ के देखो, फिर आपको समझेगा कि ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है,
समझे आपको ये? एंड आपको कुछ लोगों को लगा नहीं सर बहुत दिन भर पढ़ के तो लाइफ जेंड हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं सीए किए साथ साथ में, साथ साथ में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें भी वो टॉप है, सीए में भी रैंकर है, समझ रहा है क्या? वैसे बहुत लोग है, समझ आएगा आपको, बहुत लोग है ऐसे भाई, मतलब एग्जांपल देने लगे तो मैं खुद ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जानता हूँ जो सीए बन गए, बहुत अच्छा करियर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोई गोल्फ खेलता है, बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलता है, बहुत अच्छा और समझ रहा है क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी किए हुए है, समझ रहा है क्या? ऊपर से लाइफ भी झंड नहीं है, कभी भी भाई कोई भी फ़ोन किया हाँ मैं आज इधर ट्रैकिंग कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, बट वो जानता है कि कब पढ़ना है और कब एंजॉयमेंट करना है, बैलेंस है कि नहीं? ये चीज़ मैं कोई नई नहीं बता रहा आपको, इसके पहले भी हज़ार बार बोल चुका हूँ। अपना जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में कि हम सबसे ज़्यादा टाइम किस पे देते हैं, कुछ भी नहीं करने में, पढ़ रहे क्या? नहीं। सो रहा है क्या फिर? नहीं। खाना खा रहा है क्या? नहीं। कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं। बराबर है कि नहीं? क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, मोबाइल में देखते बैठा हूँ, है कि नहीं? थोड़ा इधर उधर देखता हूँ, वापस मोबाइल को देखता हूँ, थोड़ा इधर उधर देखता हूँ, किसी को तो फोन करता हूँ, वापस मोबाइल को देखता हूँ। मानो या ना मानो सच यही है कि नहीं? अगर हम बिजी है, हाँ क्या कर रहा है भाई? पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? सो रहा है। क्या कर रहा है भाई? टीवी देख रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? ट्रैकिंग पे गया 3 दिन के बाद आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ तो कर रहा है ना जिंदगी में, तुमसे तो बेटर ही है या नहीं? कुछ कर रहा है ना भाई, तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा है? फेसबुक देखा, एक रील देखा, वापस है कि नहीं? ऐसे ही है ना बहुत सारे लोगों का, और ऐसे ही कुछ कुछ लोग तो 10-10, 12-12 घंटे ऐसे बिताते है नहीं? हमारे रिलेटिव में गए, क्या नाम है उसका, कुछ तो अविनाश, अविनाश ऐसे कुछ है, मेरी बीबी के साइड का कुछ रिलेटिव है, तो थर्सडे रात को या जब उसको समझो अभी कुछ 4 दिन छुट्टी थी ना, कुछ फ्राइडे सैटरडे संडे है कि नहीं, एक दिन रूम में जाके बैठा, ओके रूम में जाके थर्सडे रात को गया, एंड वो मोबाइल हाथ में था उसके, वाईफाई लगा हुआ है घर पे, है कि नहीं? डायरेक्ट मंडे को दोपहर में घर रूम के बाहर आया, समझ रहा है क्या? उसके बीच में खाने का भी उधर ही बैठ के खाना खा रहा है, उधर ही मोबाइल, नहाया नहीं 4 दिन, है कि नहीं? तुम मानो या ना मानो बहुत लोग ऐसे हैं आज की दुनिया में, है कि नहीं? उसको बोला भाई तेरे को वो बोला क्या भाई, एक मोबाइल आईपैड दिया, वाईफाई कनेक्शन हो गया, जिंदगी सेट है। इतना डिप्रेस जिंदगी है यार, बराबर है कि नहीं? एंड तुम में से भी कुछ लोग वही उस 100% डेस्टिनेशन पे नहीं है, रास्ते पे है कि नहीं? बस मोबाइल देख रहा है कि नहीं? कोई फायदा नहीं है भाई। अगर तुम बड़े ड्रीम्स देख रहे हो ना, तो छोटे काम में ना अपने आप को इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, एंड तुम अगर चिल्लर काम में राइट इतना मजा ले आ रहा है तुमको, ओके एंड तुम्हारा इतना टाइम जा रहा है, तो तुम इंसानी चिल्लर हो, तुम में वो बड़ा बनने की औकात ही नहीं है, समझा क्या? तुम्हें वो बड़ा बनने की औकात ही नहीं है, समझ रहा है क्या? अगर कोई बोल रहा है नहीं सर मैं मोबाइल देखते बैठा 4 घंटे उसके बाद में मैं कुछ नहीं करता, मतलब तुम्हारी लाइक ही वही है, समझ रहा है क्या? मैं मुझे कुछ बोलने में शर्म नहीं आती, समझ रहा है क्या? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, लेकिन जो है वो है भाई, तुमको खुश करके मुझे क्या मिलने वाला है? रियलिटी बताना इनफैक्ट बेटर है ना, है या नहीं? फिर अगर ऐसा है तो तुम्हारी लाइक ही नहीं है फिर, बराबर है भाई? मैं वापस बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं जरूरत, सिर्फ थोड़ा एक पैच है जो इंटरमीडिएट का, एक 5-6 महीने जब थोड़ा ब्रेक लेना रहता है उससे, क्योंकि इंटरमीडिएट का ड्यूरेशन बहुत क्रंच्ड है, 8 सब्जेक्ट है, 8 ही महीने है कि नहीं? अदरवाइज फिर फाइनल में वापस चालू कर सकते हो, क्योंकि फाइनल 3 साल है, बट उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना पड़ता है इंटर, बहुत ग्रुप फाउंडेशन पास होना पड़ता है अभी, है या नहीं? फिर बहुत अच्छी जिंदगी है भाई, बट कुछ कर लिया तो, समझ रहे क्या? एंड बाकी ये जो चिल्लर है ना, ये प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे आपके, आपके बड़े लेवल के प्रॉब्लम रहेंगे फिर उस समय पे, समझ रहे क्या आपको?
ये छोटे छोटे प्रॉब्लम से तो पहले ऊपर आओ, है या नहीं? तो कोई बड़ा प्रॉब्लम फेस करोगे तो वो आउटपुट भी वही लेवल का रहेगा ना फिर उस समय पे, है या नहीं? सुस्त बैठना ये सबसे डेंजरस आदत है कॉमर्स स्टूडेंट की। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। उससे अच्छा यार एंजॉय किया हुआ अच्छा है ना यार, लेकिन बट उसमें भी एक्टिवनेस लगता है ना भाई। मंद लोग एंजॉय भी नहीं कर सकते। कुछ लोग तुम्हें से मंद है, चल भाई पिक्चर देखने जाते हैं। पिक्चर कौन सा? हाँ कौन से थिएटर में, कहाँ, क्या? नको फिर क्या करेगा? नहीं जाने तो क्या करेगा? है कि नहीं? ऐसा देखते बैठा है हॉस्टल पे। एक दिन मैं और विशाल एक बार हॉस्टल पे गए थे, 70-80 बच्चे थे हॉस्टल पे रात को, समझ रहे हैं? 80 में से 78 बच्चे मोबाइल देख रहे रात को सोते हो, ऐसा आप और में इसमें मतलब ये जो कैटेगरी है ना बच्चों, ये है सादा नहीं, कैपिटल एंड बोल्ड वाला सी कैटेगरी है, सादा वाला नहीं। समझ रहा है क्या? हॉस्टल लाइफ है, इतने दोस्त है, समझ रहा है कि नहीं? ये टाइम जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, समझ रहा है क्या आपको? ये टाइम जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, समझ रहा है कि नहीं? एंड ये टाइम पे एक मतलब यार, अभी हम देखते हैं कि मैं कभी हॉस्टल पे था तो हम एक 15-20-25 लोग ऐसे एक रूम में या कहीं पर बातें करते थे, कोई टॉपिक पर डिस्कशन करते थे, बहुत नॉलेज बढ़ता था, क्योंकि 24 लोगों को कुछ मालूम है जो अपने को मालूम नहीं है, कुछ उसका डिस्कशन हो रहा है। कोई भी पॉलिटिक्स की बातें रहने दो, स्पोर्ट्स की बातें रहने दो, कुछ भी रहने दो भाई, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई की बातें हो, समझा है नहीं? क्या नॉलेज शेयर होगा? एंड इधर लगे हुए बस इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, मतलब इससे थर्ड क्लास जिंदगी नहीं है यार, है कि नहीं? इससे क्या बोला मैं, थर्ड क्लास जिंदगी नहीं है एक्चुअली, बस लगे हुए हैं ये मोबाइल में पड़ा हुआ है बस, है कि नहीं? क्रिकेट भी खेल रहा है तो भी मोबाइल पे, ग्राउंड में जाना पड़ता है भाई क्रिकेट खेलने, दो उंगली से छक्का नहीं जाता, है कि नहीं? दो उंगली से सिक्स मार रहा है, सिक्स मारने के लिए ग्राउंड पे पहले खड़ा रहना पड़ता है, समझ आया क्या? बैट उठाना पड़ता है, वो ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन तब जाता है सिक्स, है कि नहीं? तुम्हारा सिक्स सिक्स है कि नहीं? ये मार रहा है सिक्स मोबाइल पे ही, है कि नहीं? इतना सा 30 किलो का वजन, है कि नहीं? एक्सरसाइज कर बोला उठा, दूसरे सिर्फ दो उंगली में पावर है, कौन से? ये पता नहीं ये उंगली से क्या क्या करने वाला, है कि नहीं? ओके चलो हो गया क्या भाई? चलो पॉइंट नंबर 37 हो गया क्या? पॉइंट 38 चलो पी। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझा क्या आपको? क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इससे अपने को फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए वो समझ रहा है। चलो P Q दिया है एंड वेरिएंस पूछा है, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ यहाँ पे ये 0.10 रहेगा क्या? चलो करो कंप्लीट, P के बेस पे Q का कॉलम कंप्लीट करो, या Q दिया है वहाँ पे P लिखो, P प्लस Q1 रहता है एंड साथ में वेरिएंस का भी कॉलम कंप्लीट करो। चलो बोलो इधर 0.10 रहेगा क्या? ये कंप्लीट कर रहे हैं क्या हम लोग? चलो ये क्या रहेगा? 0.80, ये रहेगा 0.37, 0.15, 0.11, 0.9198 करो। इज इट 0.09N, 0.16N सही है क्या? 0.37 इंटू 0.63 इज इट 0.2331N सही है क्या? इज इट 0.25N इज इट 0.1275N 0.1275N 0.89 इंटू 0.11 इज इट 0.0979N
0.01 96 n। अच्छा मुझे बताओ जो वेरिएंस के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर ये है क्या? आप देखिए बताओ, वेरिएंस के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर ये है क्या, या इससे बड़ा कोई है बताओ? तो बताओ ये जो मैंने लिखा है ये सही है क्या? बताओ, वेरिएंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑफ 0.25 n, मतलब n बाय 4। एंड कब आता है ये मैक्सिमम? कब आता है मैक्सिमम? व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50। व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50, ये पॉइंट मैंने लिख के दिया था क्या? मैं आपको वापस बताता हूँ, अगर आप अच्छे से रिवाइज करो इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट पहले भी लिख के दिया था क्या मैंने? वेरियंस अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50, मतलब व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ये जो नीचे लिखा है वो सेंटेंस सही है क्या बताओ? वेरियंस इन केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, बोलो, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.50। वेरियंस अटेंस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.25 n, सही है। इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी होल नंबर, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मतलब n x कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। समझा क्या? n कॉमा x कांट बी इन फ्रैक्शंस, n कॉमा x कांट बी इन फ्रैक्शन, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, सही है बच्चों। नेक्स्ट, पी फाइंड पी कॉमा क्यू, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया अपने, डबल आया यहाँ पे, चलो फिर भी सॉल्व करेंगे। 4 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 4 क्या होता है बोलो? 6c4 पी का पावर 4 क्यू का पावर 2, एंड इधर 6c2 पी का पावर 2 क्यू का पावर 4, सही है। थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था ना हमने, 4 × 6c4 कितना आता है? 15 × p² × p² × q² 15 × p² × q² × q² तो 15 p² q² कैंसिल हुआ, इधर लेफ्ट में क्या बचा? 4p² = q² तो इज इट 2p² = q² तो 2p = q, q की जगह में लिखता हूँ 1 - p, सही है क्या? Therefore 3p = 1, therefore p = 1/3 and q = 2/3, these are the answers, p 1/3 and q 2/3। ये repeat question है, समझा सबको पक्का? Next, 2% of the bulbs manufactured are known to be defective। चलो अभी सिर्फ last के दो question solve करेंगे, चलेगा? 42-43 आज के दो क्वेश्चन करेंगे। 2% बल्ब्स आर नोन टू बी डिफेक्टिव, 200 बल्ब्स आर सेलेक्टेड इन जनरल एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव बल्ब्स? सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों, बाद में लिखोगे तो। मुझे बताओ कितने बल्ब सेलेक्ट किए? 200, तो 200 ट्रायल, यस और नो? कोई भी रैंडमली सेलेक्टेड बल्ब डिफेक्टिव होने का क्या चांस है? 0.02। डिफेक्टिव नहीं होने का क्या चांस है? आपको कितने बल्ब डिफेक्टिव चाहिए? 3। समझा क्या? तो बोलो वेदर क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 3, बोलो क्या आंसर रहेगा? 200c3 0.02 का पावर 3 एंड 0.98 का पावर 197, डू यू एग्री? चलो 200c3 का आंसर बताओ, 200 × 199 × 198 डिवाइड बाय 6, 1313400 × 0.02 का पावर 3 बताओ, 0.02 × 0.0 कितनी बार जीरो है वो? 1, 2, 3, 5 बार 0 और 8 बराबर है क्या? × 0.98 का पावर 197 बताओ, 0.98 √12 times −1 × 197 + 1 चलो इसका आंसर 0.01 ऐसा कुछ है क्या बताओ? 8650787 है क्या? एक काम करो, × 131 किया क्या आपने?
पांच बार जो है ना एट, ये सबका मल्टीप्लीकेशन करो इंटू हंड्रेड करके बताओ वेदर आंसर इज क्लोज टू 19.59. तो क्लोज टू 19.60%, 19.59 ऐसा कुछ है क्या? ये बाइनोमियल्स मॉडल से सॉल्व किया या पॉइजन से? बाइनोमियल। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन पॉइजन्स मॉडल से सॉल्व हो सकता है, थोड़ा बहुत राउंडिंग और डिफरेंस आ सकता है। ओके, मुझे बताओ मीन का क्या फॉर्मूला है? एन पी, एन पी कितना है बताओ? 200 इंटू 0.02 का आंसर क्या है? 4। तो मीन 4 है। आपको क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 3। चलो फॉर्मूला यूज करो, ई टू द पावर माइनस एम, तो एम कितना है? 4। एम है ना यार, इंटू 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। चलो 4 का पावर 3 कितना आता है? 64 डिवाइड बाय 6, 10.666666666 डिवाइडेड बाय 2.7183 का पावर 4 करो, 2.7183 इंटू का पावर 4 करो, जो भी आया डिवाइड इक्वल टू इंटू 10.666666। आंसर इज 19.53% या 19.54% है, विच इज वेरी क्लोज टू 19.60%। यस और नो? तो ये बाइनोमियल पॉइजन से आंसर सेम आ रहा है या नहीं? जो भी डिफरेंस है राउंडिंग का डिफरेंस है बच्चों से। तो कौन सा बेटर था? जो भी आपको लगे, मेरे ख्याल से पॉइजन बेटर था। समझा या नहीं? एंड अगर सिर्फ डायरेक्टली मीन दिया ही होता तो बाइनोमियल का ऑप्शन भी नहीं होता तुम्हारे पास, नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए नहीं ना फिर। यस, डायरेक्ट एम ही दिया होता तो क्या करते यार, पॉइजन्स मॉडल। यस और नो? कुछ गया दिमाग में? दोनों फॉर्मूले याद है क्या? चलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एज पर बाइनोमियल्स मॉडल क्या था? एन सी एक्स इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला यूज किया? एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला याद रहेगा, लिखो उधर। ये फॉर्मूला यूज करके आंसर लाए थे हम लोग। एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या यूज किए? e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एज पर पॉइजन्स मॉडल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एज पर पॉइजन्स मॉडल, कुछ गया दिमाग में? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस आफ्टर इट फेल्स, मतलब दो बार सक्सेस होता है एक बार फेल होता है, दो बार सक्सेस एक बार फेल, दो सक्सेस एक फेल, दो सक्सेस एक फेल। तो टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल? 2/3, दो सक्सेस एक फेल, सक्सेस फेल, तो तीन में से दो सक्सेस है एंड फेल्योर कितने है बोलो? 1/3। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, मतलब एन कितना? 5। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल, मतलब सक्सेस कितने चाहिए? 0, खत्म। यस और नो? तो बोलो, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 0 पूछा है, क्या आंसर होगा? 5c0 2/3 का पावर 0 इंटू 1/3 का पावर 5, तो आंसर इज 1/243, 1/243 इज द प्रोबेबिलिटी। यस और नो? परसेंटेज में इट इज 0.41152633%। सही है क्या? कुछ अगर आज अगर आप जाके घर जाके जितना भी हमने थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है उतना पढ़ के आओगे तो ये मार्क्स अपने कहीं ना कहीं एश्योर हो रहे कि नहीं बताओ, अगर आप आज पढ़ते तो, क्योंकि आज अपन ने फ्रेश में क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर वापस अभी इसमें वो और भी कितना 43 कितने कहाँ तक है, 100 तक रहेगा कम से कम, समझ रहा है कि नहीं, और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, तो अपने को थोड़ा ये चैप्टर की भाई 5-6 मार्क एश्योर हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या फिर एक दो दिन में, है या नहीं? तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच।